प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, और इसी जोश के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, और आज कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कुछ और कंपाउंड को लेते हैं और उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ कंपाउंड है, इनका जो है हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, और ये हमारे अकॉर्डिंग जो है, मेरे हिसाब से ये लास्ट वीडियो होने वाला है, लास्ट या फिर इसके बाद एक और वीडियो बनाना पड़ेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं, एक एक एग्जांपल लेते हैं और इसको ड्रा करते हैं फटाफट के अंदाज में। सबसे पहले हमने लिया HClO4। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको समझिए कि इसमें जो है लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है। तो लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होगा उसको हम लोग रखेंगे सेंटर में, वो होता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से कौन जुड़ना चाहता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा किससे जुड़ना चाहता है? सेंट्रल एटम से। सीधे तुरंत करते हैं, दरअसल करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, स्पीड में करते हैं। सीएल बीच में हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन कहाँ जुड़ना चाहता है? सेंट्रल एटम से। ठीक, अब क्लोरीन के पास जो है प्यारे बच्चों, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 सॉरी क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग करके, क्योंकि हर ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है, प्रत्येक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 2 चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे दो दो के इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, एक हमारे पास हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन को कहाँ लगाएं? इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इनका भी कंप्लीट हो गया, इस वाले भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बच रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा ना, इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा, तो हाइड्रोजन को जो है यहाँ पे लगाएंगे भैया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को यहाँ से फायदा देखिए, इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, तो एक जो है क्लोरीन के पास कितना बचा? 7 होते हैं क्लोरीन के पास। अब देखो 6 जो है 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिए, बचा एक, तो एक से इसका बगला होने वाला नहीं ऑक्सीजन का, तो एक और चाहिए, तो वो देगा हाइड्रोजन, एक देगा हाइड्रोजन और एक देगा हमारा सीएल। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। प्रत्येक ऑक्सीजन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, यानी कि हमारा हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी को जो है अगर हम बॉन्ड के फॉर्मेशन के आधार पर दिखा देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा कॉपर स्ट्रक्चर, CS। ठीक है, तो बॉन्ड के आधार पर दिखाते हैं, तो जहां दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई वहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है यहाँ भी एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉपर स्ट्रक्चर ऊपर। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं फटाफट के अंदाज में, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है HClO3। अब इसका क्या माजरा है? हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ कितना, तो Cl को यहाँ भी कहाँ रखेंगे? बीच में। अब ये वाला ले रहे हैं प्यारे बच्चों, यानी कि HClO3, Cl को कहाँ रखेंगे? बीच में। ऑक्सीजन कहाँ लेना चाहता है? कॉर्नर पे नहीं, मतलब कि सेंट्रल एटम से अटैच होना चाहता है, तो सेंट्रल एटम से लो अटैच करा दिए। अब जो है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेगा इसके साथ, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए क्या करेगा, तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है प्यारे बच्चों, उसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। ये भाव बात देखिए, अब हमारे पास एक हाइड्रोजन बचा है, तो अब सीएल के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, 2, 4, 2, 6, 6 यूज हो गए, कितने बचे? तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ओ भैया, किसके साथ बॉन्ड में जाएगा? तो हाइड्रोजन के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा?
तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड मिल जाए। अब ये हमारे पास हम देख सकते हैं कि इस वाले ऑक्सीजन बेस वाले ऑक्सीजन बेस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ये हाइपरवेलेंट कंपाउंड है, हाइपरवेलेंट, तो इसके पास जो है 8 से ज्यादा रहेगा। तो देखिए 4, 4, 8, 4, 12 और 2, 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हमारे पास क्या है बच्चों, H2SO5 है, H2SO5। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो इसमें बताइए कम विद्युत ऋणी तत्व यानी कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, सेंट्रल मेटल सेंट्रल एटम बनाएंगे। तो इसमें कौन सा है, तो सल्फर, सल्फर क्या है लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको बीच में रख दिए। अब भैया सेंट्रल एटम से जुड़ना कौन चाहता है, सेंट्रल एटम से जुड़ना कौन चाहता है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम से जोड़ते हैं, सिंपल सी बात। कहाँ गया ऑक्सीजन को, हाँ 1, 2, 3, 4 चार ऑक्सीजन हो गए। अब भैया पांचवा ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ठीक है, तो पांचवे को जो है हम कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ लगा दें, चाहे इस साइड लगा दें, चाहे इस साइड लगा दें, चाहे इस साइड लगा दें, तो हम क्या किए, हमने इस साइड लगा दिए, ठीक है, पांचवा ऑक्सीजन। अब H2 भैया यानी कि दो हाइड्रोजन भी, तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ लगा देंगे और दूसरे का हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 का जो है हम लोग क्या करेंगे, अब बॉन्ड बनाने में उपयोग करेंगे, बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो अब बताइए इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो सीधे सीधे इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा सल्फर। इस वाले भी ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2, तो इसको भी सीधे सीधे दे देगा कौन, सल्फर, कहेगा लो भैया जाओ खुश रहो, लो भैया जाओ खुश रहो, ये लो, ठीक है। अब इस सल्फर के पास 2, 2, 4 यूज कर लिए, बचे 2, तो एक जो है इसके साथ बॉन्ड में जाएगा। अब बचा 1, तो एक जो है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इस वाले ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो किससे लेगा भैया, हाइड्रोजन से, इस वाले हाइड्रोजन से, यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया। इसी तरह यहाँ पे बच्चों इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन के में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यहाँ भी बॉन्ड बनेगा। सेम इसी तरह यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, द्विक नियम वो भी तो कंप्लीट करना चाहता है। यहाँ पे देखिए अब सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे एटम हमारे क्या हो गए, खुश हो गए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये है परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्साइड, ये परऑक्साइड का फॉर्मेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो है परऑक्साइड। तो इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं S2O6 2 नेगेटिव, ठीक है, इसको मिटाते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने लिया S2O6 और निगेटिव कितना है उस पर चार्ज, तो माइनस का 2। इसका स्ट्रक्चर बना देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे इन दोनों में लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, तो उसको हम लोग चूज करेंगे। तो हमको पता है सल्फर, सल्फर के 2 है, तो दोनों को लिख देंगे 1, 2। ये भैया अब जो है सल्फर तो सेंट्रल एटम हो गया, अब सेंट्रल एटम से जुड़ना कौन चाहता है, तो ऑक्सीजन जुड़ना चाहता है, कौन जुड़ना चाहता है, ऑक्सीजन। तो कैसे जुड़ेंगे, जोड़ो भैया ऑक्सीजन को, जोड़ो ये जोड़ो ये जोड़ो, सेंट्रल एटम से जुड़ना चाहता है इसलिए हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि सल्फर के पास जो है आउटर मोस्ट सेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कहूँगा कि सीधे सीधे 2 इसको दे दे, 2 इसको दे दे, ये वाला सल्फर, ये वाला सल्फर भी वही काम करे, 2 इसको दे दे, 2 इसको दे दे, ये दोनों जो है डबल डबल की शेयरिंग करके इस वाले ऑक्सीजन का काम हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
अब जो है सल्फर के पास प्यारे बच्चों कितना बचा, तो दो इलेक्ट्रॉन बचा। एक जो है सल्फर सल्फर शेयरिंग कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे सल्फर सल्फर के बीच में, ठीक है। अब कितना बचा, अब सिर्फ और सिर्फ दोनों सल्फर के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा। कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड में जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अभी इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन तो मिला है इस सल्फर से, एक ही इलेक्ट्रॉन तो मिला है इस वाले से, इसको भी एक ही तो इलेक्ट्रॉन मिला है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और वो कमी को किसने पूरा किया, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब ये हुआ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने क्या किया है, गेन कराया है। तो यहाँ पे इसके पे खोपड़िया पे निगेटिव चार्ज लगा देंगे और सिंपल है हमारा बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या किया हमने, ऑक्सीजन के दो निगेटिव चार्ज था तो दोनों ऑक्सीजन के खोपड़िया पे एक एक चार्ज लगा दिए, काम खत्म। ये हो गया। अब हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट S2O8 टू निगेटिव, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी बड़ी हसीन है, समझते हो कि नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का नाम ये आगे बढ़ते रहना, ठीक। कहां तक पहुंचे, हाँ S2O8 टू निगेटिव, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें भी हम देखेंगे कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो बात वही है सल्फर भी है, अभी सल्फर है, सल्फर को लगा दो, सल्फर को लगा दिया, लगा दो इसको थोड़ा दूर लगाओ, ठीक है। अब भैया जो लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है यानी कि जो सेंट्रल एटम है उससे कौन जुड़ना चाहता है, तो ऑक्सीजन जुड़ना चाहता है, तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आठ ऑक्सीजन है भैया, लो एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और मैं कहूँगा कि जो है एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, कितने हो गए छः, और मैं बीच में दो लगा दूंगा, इसको कहते हैं दिमाग। सारे ऑक्सीजन खुश, क्यों, क्योंकि सारे के सारे ऑक्सीजन जो है ना सेंट्रल एटम से जुड़ गए हैं। देख लो ये भी सेंट्रल एटम से अटैच है, इस वाले से देखो अटैच है ना, ये भी है, ये भी है, सब अटैच है, इसलिए ये खुश हो जाएंगे। अब देखो कैसे, देखेंगे कैसे। अब इस सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, छः इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या करेगा, ये दो दो इलेक्ट्रॉन इससे जो है शेयरिंग करा लेगा, क्योंकि इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वाले को भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको भी दो दे देगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, अब देखेंगे कि अब सल्फर के पास सिर्फ और सिर्फ दो बचा, तो एक जो है इसके साथ बॉन्डिंग होगी, एक जो है इसके साथ बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को देखिए, इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिला ना, तो इसको एक और आवश्यकता है, तो इसी के खोपड़िया पर लगा दीजिए निगेटिव चार्ज। दो निगेटिव चार्ज है तो दो तो हमको यूज करना पड़ेगा ना, इसी तरह सेम हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड, इसको अभी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक सल्फर इस वाले ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्ड बना लेगा। अब ये वाला सल्फर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, इसके पास देखिए दो दो चार एक पांच, अब इस सल्फर के पास एक बचा है, एक यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और इसके खोपड़ी पे एक चार्ज आ जाएगा, जिससे इसका भी अपडेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये है हमारा S2O8 टू निगेटिव का क्या बोलते हैं इसको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले जो ये है हमारा S2O8 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको जो है आपके लिए बहुत भौगोलिक एक काम, इसका जो है आपको निकाल के आना है, आना है का मतलब ये हुआ कि आप इसका निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इस आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो आप जरूर बताइए कि सर नहीं आया, आप इसको भी बताएं तो जरूर बताएंगे हम। आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। अजिक राम ना बिगड़ी है ओ कर लोग का बिगाड़ी, H3PO4 तल्ले भैया लेते हैं H3PO4 H3PO4 तो इसमें लगाएंगे अब तरक्ता बढ़ता कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या करेंगे,
तो हम इसमें लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या करेंगे, छाटेंगे। तो इसमें कौन है, फास्फोरस। हाइड्रोजन को छोड़ के देखना है, हाइड्रोजन को छोड़ के पता चले सर जी लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को नहीं ले लो, हाइड्रोजन कैसे ले, हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। तो आइए, तो हमारे पास बचा फास्फोरस। अब फास्फोरस जो है, अब इससे कौन जुड़ना चाहता है, तो सेंट्रल एटम से हमेशा ऑक्सीजन जुड़ना चाहता है, तो लो भैया लगा दिया ऑक्सीजन, एक दो तीन चार, चार ऑक्सीजन है, चारों को लगा दिया, ठीक है। अब फास्फोरस के पास कितने, पांच इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूंगा इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो दो इलेक्ट्रॉन को, तो मैं कहूंगा कि फास्फोरस तुम इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दो और इसके साथ शेयरिंग कर लो। दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोनों को शेयरिंग करके आपस में डबल बॉन्ड बना लिए, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इसलिए डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या कहेगा, अभी अभी हमारे पास हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन को भी तो लगाना है, हाइड्रोजन को भी तो लगा, हाइड्रोजन हमेशा किनारे में जाना चाहता है, ये लो किनारे पे चला गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन, अब हम देखेंगे कि इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक लेगा हाइड्रोजन से, किससे लेगा पहले पूछो, एक लेगा हाइड्रोजन से और एक लेगा फास्फोरस से, एक लेगा फास्फोरस से, इस वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। अब फास्फोरस के पास कितने बचे, तो दो बचे, तीन और एक मिनट, तीन और एक, तीन हो गया और तीन दो पांच होता है, तो अब इस वाले, अब फास्फोरस के पास कितने बचे, दो बचे, तो एक फास्फोरस जो है इसके साथ बॉन्डिंग में सेम जैसे कि इधर हुआ है उसी तरह यहां भी हो जाएगा, और यहां अभी एक और बचा, एक दो तीन चार पांच, अब पांच पूरे पूरे हो गए फास्फोरस के यूज और इस ऑक्सीजन के साथ जो है हाइड्रोजन। तो आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल बात है, और ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, ये हो चुका, ये है H3PO3 लेते हैं, इसको मिटाते हैं, तो प्यारे बच्चों लेते हैं हम लोग H3PO3, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें देखिए, अगर हम कहें लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि सर P है। अब मैं कहूंगा P जो है ऑक्सीजन जो है हमेशा किससे जोड़ना चाहता है, तो मैं कहूंगा भैया फास्फोरस जो है हमेशा ऑक्सीजन जो है हमेशा किससे जोड़ना चाहता है, तो लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से, यानी कि सेंट्रल एटम से, सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस है, तो एक दो तीन, तीन हो गए, ठीक है। तो तीन ऑक्सीजन हो गए, अब तीन ऑक्सीजन मैं कहूँगा भैया फास्फोरस, फास्फोरस भैया यहाँ पे एक लगा दीजिए हाइड्रोजन और यहाँ पे एक लगा दीजिए हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो तीन है, लगाना तो पड़ेगा, मजबूरी है। तो इस फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट सेल में, पांच इलेक्ट्रॉन। मैं कहूंगा डायरेक्टली कि दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दीजिए भाई साहब, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे के लेके इनके साथ जो है शेयर करिए और इनके साथ डबल बॉन्ड बनाइए, ताकि इस ऑक्सीजन का भला हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो कहें हाँ भैया दे देते हैं, दे दिए हम। अब मैं कहूंगा कि अब आपके पास बचे होंगे तीन, तो बचे हैं तीन, ठीक है। तो नीचे एक मैं लिख लूंगा हाइड्रोजन, मैं कहूंगा कि इस हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है, फास्फोरस महोदय इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो कहेंगे ठीक ये भी ले लो, ये भी खुश हो जाए, ये भी खुश हो गया। अब हम कहेंगे फास्फोरस महोदय आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, कहेंगे हाँ दो इलेक्ट्रॉन तो बचे हैं, तीन मैंने यूज कर लिया, एक दो तीन, तीन यूज कर लिया फास्फोरस में, कितने बचे, तो दो बचे, दो बचे। तो क्या बच्चों अब होगा क्या कि ये फास्फोरस जो है अब इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक फास्फोरस से ले लिया और एक ले लेगा हमारा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का भी यहाँ डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे वही खेल, जो इधर साइड हुआ सेम एज इट इज इधर होगा। अब फास्फोरस के पास सिर्फ एक बचा है, एक किसको चाहिए यहाँ पे, तो इस वाले ऑक्सीजन को चाहिए, लेकिन इसको दो चाहिए, तो एक और किससे लेगा, तो इस वाले हाइड्रोजन से लेगा। इतनी बात कंप्लीट हुई, ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर H3PO3।
तो प्यारे बच्चों, इससे एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन जनरेट होता है और आता है अक्सर, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं उस क्वेश्चन को मैं यहीं पे कराना चाहूंगा, और वो है, तो हम लोग लिखते हैं कि क्या है कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3। कहते हैं कि H3PO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या दीजिए, फाइंड कीजिए। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग आदमी क्या करते हैं, सीधे सीधे क्या करते हैं, जो मकलोद होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मतलब जिनको हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई है, वो क्या करते हैं, सीधे सीधे देखें H3PO3। H3 यानी कि यहाँ पे थ्री वैलेंसी फैक्टर। अभी मैं बताता हूँ कि जो हमारा ये ई होता है, ई मतलब इक्विवेलेंट वेट, ये कैसे निकलता है, तो मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब ये बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, तो बैलेंसिंग फैक्टर क्या है बच्चों, अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे अगर हमारा कोई एसिड है, तो वहां पर बैलेंसिंग फैक्टर जो होता है बेसिसिटी होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एसिड है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो बैलेंसिंग फैक्टर होगा एसिड के टर्म में, वो होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन होते हैं, तो एसिडिक हाइड्रोजन को बोलेंगे ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन से, जो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन होते हैं, तो एसिडिक हाइड्रोजन एफ ओ एन सीएल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये कहलाता है एसिडिक हाइड्रोजन। या कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कहलाते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, बैलेंसिंग फैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि H3PO3 हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, H3PO3 का। तो हमको क्या चाहिए, मॉलिकुलर वेट और बैलेंसिंग फैक्टर। तो मैंने क्या कहा कि प्यारे बच्चों, बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा इस वाले एसिड के केस में, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन तो मैं कहूंगा कि एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन किसको कहेंगे, जो FONCl से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो F है नहीं, O है, तो O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, एक ये वाला हाइड्रोजन O से जुड़ा, एक ये वाला हाइड्रोजन जो है ओ से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन ओ से जुड़ा है, यानी कि यहाँ सिर्फ सिर्फ कितने हाइड्रोजन ओ से जुड़े हैं, तो दो हाइड्रोजन। तो मैं कहूंगा कि जो बैलेंसिंग फैक्टर होगा वो सिर्फ दो होगा, ये नहीं कि ये वाला हाइड्रोजन देखो तो सर हाइड्रोजन तो तीन है, तीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको कौन सा हाइड्रोजन लेना है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा, दो। मॉलिकुलर वेट निकालेंगे H3PO3 का, H3PO3 का मॉलिकुलर वेट निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाता है, बच्चा बच्चा को आता होगा, क्लास 9 से ही पढ़ते चले आ रहे हो, बेवकूफ हो, इधर देखो। तो H3 यानी कि 3 है, तो 3 × 1 एक हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक। प्लस का साइन लगाएंगे। फास्फोरस का कितना होता है, तो 31 होता है, प्लस का साइन लगाएंगे। 3 × 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3 + 31 प्लस 16 16 16 32 43 48, और इसको जोड़ लेंगे तो आएगा 8 9 3 12 2 4 7 1 8 82। तो जो मॉलिकुलर वेट आया कह रहे हो, तो हम लोग वैल्यू रख देंगे, सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू रख लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि ऐसे लिख क्या जाता है, और बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं कह रहे हो, कि यहाँ पे H3 देखे नहीं, बैलेंसिंग फैक्टर के जगह पे दो के जगह पे क्या रख देते हैं, तीन। लेकिन हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, नवार थोड़े ना है, देखो हमको पता है कैसे निकालना है बैलेंसिंग फैक्टर। तो अगर एसिड है, तो हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन होंगे, जो एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। एसिडिक हाइड्रोजन कौन होंगे, जो FONCl से जुड़े हों, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हो, इस तरह के जितने हाइड्रोजन होते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहलाते हैं, या एसिडिक हाइड्रोजन कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना वैल्यू रखेंगे, मॉलिकुलर वेट की वैल्यू कितनी आई, तो 82 कितनी आई, 82 अपॉन बैलेंसिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आई, 2। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 41 यानी 41।
तो हमको पता चल गया कि जो इक्विवेलेंट आप किसका फाइंड इक्विवेलेंट ऑफ वेट H3PO3, H3PO3 का जो इक्विवेलेंट वेट आया प्यारे बच्चों कितना है, 41 आया। उम्मीद करते होंगे प्यारे बच्चों कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास कुछ और है जिनको इनको भी हमको बना के देखते हैं कैसे बनेंगे। तो जैसे आई थ्री निगेटिव है हमारे पास, इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए सभी लोग। ये हमारे पास ट्राई आयोडाइड है, तो इसको आई 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 यहाँ पे आ जाएगा पैरोक्सो एक निगेटिव, यानी कि इसके पास हो गया एक आई के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि ये हेलोजन होते हैं, तो 7 होता है, एक हो गया 8। तो इससे क्या हुआ कि यही इसी में से एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग होगी और एक जो है इसके साथ शेयर होगा, ठीक है। तो इनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आई सिंगल बॉन्ड आई निगेटिव सिंगल बॉन्ड आई। तो ये हो गया, इसके बाद हम लोग बी आर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास अगला हो जाएगा बी आर एफ टू पॉजिटिव पे, इस पर क्या हो जाएगा कि हम लिखेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन में जो होता है आपको पता है कि आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक निकल गया तो कितने हो गए हैं, तो एक निकल गया पॉजिटिव आ गया ना इस पे, तो एक निकल गया तो कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब एफ और एफ फ्लोरीन और फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, एक एक चाहिए, तो एक एक कौन देगा, ब्रोमीन देगा, ब्रोमीन एक एक देगा, तो यहाँ पर बॉन्ड का यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब इनके पास कितना बचा, 4, यानी कि 2 लोन पेयर बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पी आर एफ एफ, चूँकि ये लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करते हैं, रिपल करते हैं, इसलिए इसको इसका शेप ऐसे ना होके ऐसे हो गया। इसका हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में बेस्पर थ्योरी में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, इसको बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर, इसको मिटाते हैं। अगला दो जो बचे हैं जल्दी जल्दी ले लेते हैं, बहुत ही जल्दी सीख ग्रह सीख करेंगे बच्चों, घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है, कोई बात घबराने की नहीं है। कहां तक हो गया था, अब है हमारे पास बी आर एफ फाइव। तो बी आर के पास हमको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, 7 में से जो है 5 गया, कितना बचा, 2, यानी कि 1 लोन पेयर बचेगा, और 5 हम लोग यूज कर लेंगे, एक जो है ऐसे एफ हो जाएगा, एक ऐसे एफ फिर हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, बट डायरेक्ट बॉन्ड बना देता हूँ जिससे आपको समझ लें, ये हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया बीआर। अब इसी तरह हमारे पास है SO3। SO3 का मैं अगर कहूँ कि कैसे बनेगा, तो मैं कहूँगा क्या पूछूँ कि यस सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, ऑक्सीजन कितने लगे हैं, 3, तो ये लो 3 ऑक्सीजन लग गए। अब ये सल्फर अगर ऑक्सीजन, प्रत्येक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सल्फर पास 6 है, 2 इसको देगा, 2 इसको देगा, 2 इसको देगा, 6 के 6 यूज हो गए, लो भैया काम खत्म, ठीक है, ये हो गया SO3। इसी तरह अब हमारे पास क्या बन सकता है, ClF3, यानी कि इस क्लोरीन के पास हमारे पास कितने बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले बच्चों, तो होता है कितना, 7 होता है, उसमें से अगर 3 जो है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में चला जाएगा, तो 1, 2, 3 3 चला गया तो कितना बचा, 7 से 3 गया 4, यानी कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास बचा SOCl2, पहले इसको मिटाते हैं पहले बच्चों, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, SOCl2। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो हमको सबसे पहले देखेंगे कि SOCl2 में जो है
जो लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो कौन है, तो सबसे पहले हम लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को लिखेंगे। तो सल्फर इसको लिख लिए। अब उसके बाद जो है हम देखेंगे कि अगर हम ऑक्सीजन यहाँ ले रहे हैं, सीएल यहाँ ले रहे हैं, सीएल यहाँ ले रहे हैं, तो आपको पता है इसे सल्फर के बाहरी कक्षा में सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से क्या करेगा, मैं कहूँगा कि डायरेक्ट पहले तो ऑक्सीजन को दो दे दो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को दो चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये लो भैया, इन्होंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को दो दे दिया। मैं कहूँगा कि सीएल को एक चाहिए, सीएल को भी एक एक दो, तो सीएल को भी एक एक दे दिया। तो दो और दो चार, चार यूज कर लिया, कितना बचा, दो बचा। तो दो को मैं कहूँगा कि यहीं पर लटक जाए, तो ये हो जाएगा लोन पेयर। कितना बचेगा, लोन पेयर हो जाएगा दो लोन पेयर, एक लोन पेयर और दो इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये बॉन्डिंग हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर। ठीक है, ये टेढ़ा बनाने का रीजन क्या है बच्चों, ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हिस्पर थ्योरी में। ठीक है, लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, व्हिस्पर थ्योरी, व्हिस्पर थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, अभी एक बचा गया। अब हमारे पास बचा है P2O7-4, P2O7-4। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसमें जो सेंट्रल एटम है आपको पता है जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो होगा, तो फास्फोरस। अब इसके साथ सात ऑक्सीजन लग रहे हैं, तो ऑक्सीजन लगने का वही है कि ऑक्सीजन हमेशा सेंट्रल एटम से लगना चाहता है। ये लो, ऑक्सीजन की मर्जी हम लोगों ने पूरा कर दी, ऑक्सीजन की मर्जी पूरा करो। तो ऑक्सीजन की मर्जी हमने पूरा कर दिया, लेकिन अभी तो हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छह ही हुए, एक सात भी तो है, तो सातवां को क्या करो, यही बीच में लगा दो और मैं डायरेक्ट बॉन्डिंग बना देता हूँ, बॉन्ड बना देता हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, चार ऑक्सीजन पे यानी कि निगेटिव है, निगेटिव पे चार है, यानी कि जो हमारे चार ऑक्सीजन होंगे वो निगेटिव है। तो मैं कह दूंगा कि एक इसको ले लो निगेटिव, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, ये चारों के साथ क्या हो गया, निगेटिव। निगेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर ये ऑक्सीजन निगेटिव है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ गया, यानी कि शुरू में कितना था, छः इलेक्ट्रॉन थे, एक बढ़ गया, कितना हो गया, सात, यानी कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक की आवश्यकता है, तो ये वाला फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम होगा, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, फास्फोरस के पास पाँच होते हैं, तो कहीं गड़बड़ हो गया क्या, नहीं, ठीक, सही है, दो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दो इलेक्ट्रॉन इसको देके, क्योंकि इस वाले ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो दो दे दिया। अब इसके पास फास्फोरस के पास एक दो तीन चार, चार यूज कर लिया, कितना बचा, एक बचा, तो एक जो है इसको देके बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आ चुका है, सेम एज यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और हमारे पास इस तरह ये बॉन्ड बन जाता है। अगर मैं बॉन्ड के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, पहले बच्चों ऊपर वाला मिटाते हैं, कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आता है, इसको ऊपर बॉन्ड के फॉर्म में दिखाएंगे तो ये बनेगा कैसे, पी ऊपर देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इसलिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, ये उसके बाद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन निगेटिव, उसके बाद ऊपर खोपड़ी पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन निगेटिव, इसी तरह यहाँ पे इस वाले से सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन निगेटिव, इसमें से देख ही कर रहे हैं। ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ये है कूपर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कौन सा बचा, ये ऑक्सीजन इधर और ये निगेटिव, तो ये हमारे पास आ गया P2O7-4। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आज के लिए वीडियो को बस इतना ही रखा जाता है, और आगे हम लोग कल पढ़ने वाले हैं जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे, मतलब कि इसमें हम लोग अब जो भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अब साइक्लिक के फॉर्म में पढ़ेंगे,
कि हम देखेंगे कि जो भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन रहा है वो साइक्लिक फॉर्म में बन रहा है। ये हमारा कल जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट लेक्चर होगा। बट अभी केमिकल बॉन्डिंग समाप्त नहीं हुआ है प्यारे बच्चों, अभी केमिकल बॉन्डिंग के लिए साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।